अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल फिट फाट हैं। यहाँ पर मैंने गाय की हड्डियाँ निकाल के रखी हैं, इसमें कुछ गोश्त भी है और हड्डियाँ भी हैं। आप ये काम कर लेंगे ना तो लाइफ इजी हो जाएगी। आज पूरी वीडियो देखिएगा, वॉच कीजिए, डोंट स्किप द वीडियो, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अभी मैंने डिफ्रोस्ट होने के लिए रखी हैं ये तकरीबन 2 किलो के करीब ये गाय की हड्डियाँ और गोश्त। इन सारी हड्डियों को अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद इनको कुकर में मैंने डाला है और मैं कुकर में ही कुक करूँगी। तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला है। जो वर्किंग लेडीज़ हैं, टाइम कम है, अच्छा खाना पकाना चाहती हैं, तो वो ये काम ज़रूर करें। जब भी आपके पास टाइम हो पहले ये काम करके सेव कर लीजिए, रख लीजिए। उसके बाद अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप एक अच्छा और बेहतरीन खाना उन्हें खिला सकती हैं। मेहमान भी खुश और आपकी वाह वाह ना हो तो मुझसे कहिएगा। सबसे पहले मैंने ना एक प्याज ली है मीडियम साइज़ की, उसे रफली चॉप कर लिया है। 3-4 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, वो भी रफली चॉप कर लिए हैं। और जिंजर का 1 इंच का टुकड़ा लिया है, उसको भी मैंने ऐसे ही चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून सौंफ का डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट इस वक्त कम यूज़ करेंगे क्योंकि जब हम कुछ भी पकाएंगे तो उसमें भी ऐड करेंगे। 5 काली मिर्चें और 5 लौंग भी ऐड की हैं। साबुत धनिया 1 टीस्पून डाला है। कुकर को बंद करके इतनी देर तक सीटी लगानी है जब तक कि गोश्त और बोन अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन योर कुकर। यहाँ पर मैंने सारी बोन्स को अलग कर लिया है और यखनी, एक बेहतरीन यखनी तैयार हो चुकी है। आपका आधे से ज़्यादा काम तो हो चुका है। अब अगर कोई खाने में जल्दी करना है, कोई मेहमान आ गया अचानक से, यखनी और गोश्त तो गला हुआ ही है। आप इससे एक बेहतरीन यखनी पुलाव पका सकती हैं। एक बहुत अच्छा सालन मिनटों में तैयार हो जाएगा। मतलब आधे से ज़्यादा काम तो हो चुका है, अब सिर्फ मसाला बनाएंगे जो 20-15 मिनट में बन जाता है और फटाफट से एक अच्छा सालन तैयार हो जाएगा और यखनी पुलाव भी पक सकता है। यखनी को और गोश्त के पैकेट बनाकर आप सेव कर सकती हैं। आप कोई मेहमान बगैर खाना खाए जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।